stunning. और सदैव आपका सर्वभाव से कैसे चिंतन करें, और दूसरी बात कही किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतनीय हैं। भगवान इसके उत्तर में पहले प्रश्न के ये बताया कि तुम मुझे कैसे जानो और स्वभाव से कैसे मेरा पर चिंतन करो, इसके लिए एक ही बात पर्याप्त है। हम आत्मा गुडाकेश स्वरभूता से स्थित, संपूर्ण प्राणियों में मैं आत्मा रूप से अवस्थित हूं, यही तुम्हें जानना है और इसी का सर्वभाव से चिंतन करना है। पहले प्रश्न का इस एक वाक्य में प्रभु का उत्तर है। कथम विद्याम अहम योगी त्वाम सदा पर चिंतन, आपका सदैव चिंतन करने के लिए आपको मैं किस रूप में जानूं। तो भगवान ने कहा कि मेरा सदैव चिंतन करने के लिए तू मुझे संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के रूप में जा। तभी तो सदा पर चिंतन होगा। यदि संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के रूप में परमात्मा को नहीं जानोगे तो परमात्मा का सदा चिंतन नहीं हो सकता। तो सदा परमात्मा का सर्वभाव से चिंतन करने के लिए संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा आपको जानना हो। कथम विद्या, जानने की बात कर रहा, मैं कैसे जानूं आपको, तो जानने की बात यहां भगवान बता रहे हैं कि आप मुझे संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के रूप में जानो। आप लोग और ऐसे से जाओ जो आएंगे बैठ के जाएंगे बहुत जगह। यहाँ एक यहाँ डाल दो, उठा कर वहां है ना पड़ा हुआ, एक गद्दा उठा बेटा यहाँ डाल दो। प्रणाम नहीं करोगे अभी बैठो, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें प्रणाम नहीं करना है। और इधर हो जाओ, एक गद्दा यहाँ डाल दो और बैठ जाओ। अब किस प्रकार से भगवान का चिंतन किया जाए, इसके लिए इससे उत्तम और कोई बात नहीं। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा परमात्मा है, ऐसी दृढ़ निष्ठा हो जाए तो स्वरभाव से परमात्मा का चिंतन होने लगेगा, स्वर रूप में परमात्मा का चिंतन होने लगेगा। सब रूप तेरे रूप है, सब नाम तेरे नाम है, इस प्रकार की वृत्ति बन जाएगी। तो यहां पर पहले प्रश्न का उत्तर कथम विद्यांस महायोगिन सदा तुम परिचिंतयन, हे प्रभो हे योगिन मैं आपको कैसे जानू और किस प्रकार से सदैव आपके चिंतन में मैं रत रह सकता हूं, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान का एक कथन है। अब दूसरा उसका प्रश्न है केश केश च भावेशु, ये स्थिति यदि नहीं आई, सारे प्राणियों में परमात्मा को देखने की अवस्था नहीं आई, नहीं शक्ति बनी नहीं बुद्धि काम किया, तो कोई विशिष्ट बात बता दो। केश केश च भावेशु चिंतोसि, मेरे द्वारा किन किन विशेष भाव में चिंतनीय है। भाव माने अरूप, भाव माने रूप, केश केश च भावेशु माने किन किन रूपों
भगवान इसके लिए विभूति की व्याख्या शुरू की। हम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, ये तो पहले के साथ संबंधित है। मैं ही संपूर्ण प्राणियों की आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। मेरे से ही सारे प्राणी प्रकट होते हैं, मेरे में ही रहते हैं, मेरे में ही लीन हो जाते हैं। इस दृष्टि से सृष्टि में परमात्मा की सत्ता के सिवा और कुछ नहीं है। कभी कभी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिस जाति के पास ये ज्ञान हो, उस जाति में छुआछूत, नीच ऊंच, छोटे बड़े की कल्पना कहां से आई, समझ नहीं सका। जिस जाति में, जिस देश में, जिस समाज में परमात्मा स्वयं ये समझा रहा हो कि संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के रूप में मैं हूं, ऐसा चिंतन करते हुए तुम सब में मुझे देखो, उसमें ये नीच ऊंच छुआछूत और ये इतना विभिन्न जो है भेद कहां से आया, समझ नहीं आया। आचार्यों ने नहीं फैलाया, आचार्यों की जो मूल आचार्य पहले मूल में हुए हैं उनकी ऐसी दृष्टि नहीं थी। हमने देखा है सबसे अधिक छुआछूत जो है रामानुज संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में बहुत। लेकिन रामानुज इतने उदार थे जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। गुरु ने दीक्षा दी और दीक्षा देकर के कहा बेटे इसको किसी से बताना नहीं। कहा गुरुदेव यदि बताऊंगा तो क्या होगा। कहा फिर लोगों को इसका पुण्य मिल जाएगा और तुम्हें पाप लगेगा। इसका पुण्य लोगों को मिल जाएगा बोले हम। आप सोचिए वो बालक दौड़ करके गांव जो नजदीक था उस गांव के पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया, गांव इकट्ठा हो गया। भाई महात्मा पेड़ पर कैसे चढ़ गया। आज भी कोई महात्मा कहीं जाकर पेड़ पर चढ़ने लगे लोग कहेंगे क्या बात हो गई भाई। जब सब गांव वाले इकट्ठा हो गए कहा सब आ गए, बोले सब आ गए। लोग पूछे महात्मा क्या बात है, कहा पहले सब गांव भर इकट्ठा हो जाओ। गांव भर इकट्ठा हो गए, अब पूछा भाई क्या बात है। अब वहां से वो जोर जोर जो गुरु ने मंत्र दिया था उसका उच्चारण करने लगे। अब गुरु प्रदत्त मंत्र का जब उच्चारण करने लगे पेड़ पर चढ़ करके सारी सब उसको सुनने लगे। शिष्यों ने जाकर कहा गुरु से उनके, अरे कहा आपने जो गुरुदेव मंत्र दिया था और रामानुज को, उसने तो पेड़ पर खड़े होकर के सब कुछ गांव वालों को सुना दिया और उसमें सब छोटे जाति के लोग थे सारे। दक्षिण भारत में ब्राह्मण अब्राह्मण दो ही तो जातियां हैं। गुरु ने सुना, तुरंत बुलाया रामानुज को, गए कहा क्यों रामानुज मैं क्या सुन रहा हूं। कहा गुरुदेव सब तो सुन रहे हैं। कहा तूने ऐसा क्यों किया। कहा गुरुदेव ने कहा था कि इसका पुण्य सारी जनता को मिलेगा। कहा मैंने ये भी तो कहा था कि भाई इसको छुपा कर रखना। कहा गुरुदेव मुझे एक आपने और आदेश दिया था कि संत का काम है जिसमें जनता का कल्याण हो करना, तो मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया गुरुदेव। आप सोचो उस गुरु को कितनी प्रसन्नता हुई होगी। गुरु ने दौड़कर उस बालक को हृदय से लगा लिया और कहा आज से तू आचार्य है। वहीं से उनको आचार्य पद मिला। जिस आचार्य की इतनी बड़ी भावना रही हो उसमें यहां तक आ गई स्थिति छुआछूत की, यहां तक स्थिति आई। हमारे यहां मजाक करते हैं, कहावत करते हैं, एक आचार्य आचारी कहते हैं ब्राह्मण समुदाय के लोगों को आचारी। एक आचारी रोटी बना रहे थे और बायां हाथ चूल्हे ऐसे रखा था पाटा बना करके इधर, तो लोगों ने पूछा कि आचारी जी ये बायां हाथ इधर क्यों किए।
काय गंदगी साफ करता है? अरे काय गंदगी जिस पेट में हो तो रसोई बैठा हुआ है। ये स्थिति है, लकड़ी धोकर जलाने की प्रक्रिया है, एक स्थिति है। यानी छुआछूत का इतना रोग फैलाया समाज में कि सारा समाज विखंडित हो गया। और इसमें कई कारण थे, आचार्यों ने बड़ी कोशिश की इसको मिटाने की। आचार्य शंकर, उन्होंने तो स्वयं चांडाल के रूप में साक्षात भगवान शंकर का दर्शन किया था, उनके जीवन में तो कहीं भेद के लिए स्थान नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने अद्वैत की प्रतिष्ठा की, बाद में उन्हीं के अनुयायियों ने इतना भेद कर दिया कि आते आते इस समय की वो निकृष्ट अवस्था हो गई, मैं कह नहीं सकता। अभी जो नए शंकराचार्य बने उस दिन, अब उनका मुहूर्त था तिलक का, तो मैं तो बड़े सौम्यता सज्जनता से उनको बधाई भी दी और किया। तो उनका एक कथन था कि मैं तो सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करूं। तो मैं उनसे पूछता कि भारत में जितने ब्राह्मण खेती करें इनको छोड़वा दोगे? कैसे प्रतिष्ठा करोगे? पहले तो ऊपर से शुरू होगी ना, नीचे से नहीं शुरू होती, ये चुनावी नहीं है। समाज की रचना नीचे से नहीं होती, ऊपर से होती है, क्योंकि सृष्टि का क्रम, मानवीय सृष्टि का क्रम ऊर्ध्वमूल है, अधोमूल नहीं है। मकान नीचे से नींव से बनाया जाता है, ऊपर शिखर पर कलश लगाया जाता है, लेकिन मनुष्य की रचना नीचे से नहीं होती, ऊपर से होती है। समाज की रचना ऊपर से होती है, नीचे से नहीं होती। तो समाज को ऊपर से कैसे सुधारोगे? तो क्या करोगे उसके लिए? और आश्रम धर्म की चर्चा करते हो, अभी यहां पर सुन रहे थे कि पहले हम आए जगत गुरु बने तो 16,000 रुपया कर्ज था। कम से कम इस बात को कितनी बार रिपीट किया होगा कि 16,000 कर्ज था। उस दिन हमें हंसी आ रही थी ये सुन करके, यहां जब हम आए तो 16,000 कर्ज था, हमने कर्ज चुकाया और चुका करके यहां ये सारा बनाया। ये कौन कह रहा? भारत का जगत गुरु शंकराचार्य अपने अपने सेवकों में बैठकर। अब इस बात को कई बार रिपीट किया भले आदमी। तो मैं पूछता कि आश्रम धर्म तो यही नाश हो गया जब तुम ये सोचने लगे कि सन्यासी के ऊपर कर्ज होता है और तूने कर्ज चुकाया मांग करके ला करके। पहले तो आश्रम धर्म सुधारो, यही सुधारो ना। चैरिटी बिगिन एट होम, भले अपने घर से सुधारो, अपने आप को सुधारना शुरू करो। पहले तुम आश्रम धर्मी तो बनो, जहां आश्रम धर्म नहीं हुआ वर्ण धर्म कहां से आएगा, और वर्ण धर्म नहीं है तो आश्रम धर्म कहां से आएगा। लेकिन हम कहा चलो आज विवाद का दिन नहीं है, आज तो उनके मंगल का दिन है, बधाई दो। तर कभी फिर करेंगे इसे, पूछेंगे कौन से वर्ण आश्रम धर्म तुम स्थापित करोगे। जय बोलने मात्र से तो नहीं वर्ण स्थापित होता। ये मैं बता रहा था कि जिस देश के पास गीता ऐसा ग्रंथ हो, जिस जाति के पास उपनिषद ऐसी विद्या हो, उस जाति में ये विघटनकारी तत्व कहां से आ गए समझ नहीं आया। दुनिया के लोग विश्व बंधुत्व की कल्पना करते हैं और यहां तो एक एक अक्षर में विश्व बंधुत्व का बीज नहीं थे। अब इससे बड़ी बात और भगवान क्या कहते हैं? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्च अंतश्च मध्यमच भूतानामंतेवच। संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत मैं हूं, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के रूप में मैं हूं। तो आदर किसका होता है? आत्मा की तो होती है, शरीर तो सबके एक से है। स्थूल शरीर सभी के पंच महाभूतों से बने हुए हैं, और आत्मा सबकी एक है, परमात्मा का प्रकाश है। इसी बात को समझाया गया है उपनिषद में, मृतका एव सत्यम,
उसमें समझाया गया, गुरु ने शिष्य को समझाया, छोटे छोटे कसोरे से लेकर बड़े बड़े मटके तक रखवा दिया उसने और कहा कि इनके नाम क्या हैं? तो ये सकोरा है, ये कूजा है, ये हड़िया है, ये मटका है, ये मट है, कितने नाम हो गए इनके? कहे तो अनेकों नाम है। तो गुरु क्या कहता है? बाचारम्भो विकारो नाम धेयम। ये जो इसकी आकृति के अलग अलग नाम हैं, ये केवल व्यवहार के लिए हैं, लेकिन मृतकायैव सत्यम। लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो मिट्टी है। ये सारे जितने पात्र बने हैं सब मिट्टी से बने हैं। मृतकायैव सत्यम, मृतका ही सत्य है। और जो इसके नाम है काये तो वाचारम्भम विकारो नाम थे, ये विकार के जो नाम है, ये वाचारम्भम माने व्यवहार मात्र के लिए, व्यवहार के लिए। आपको यदि मटका चाहिए और को मिट्टी का गोला गोला ले आओ, तो कोई सकोरा ले आओ, तो क्या करोगे? वो भी तो गोला ही है। तो व्यवहार के लिए अनेक नाम है, लेकिन तत्वतः तो मिट्टी है। ये उपनिषद समझा रही है कि दुनिया में व्यवहार के लिए अनेकों ये रूप बने हुए हैं, तत्वतः एक आत्मा है, एक प्रकृति है। उसी बात को भगवान समझा रहे हैं। अब भगवान कहते हैं यदि ये दृष्टि तुम्हें प्राप्त नहीं हुई तो विशेष दृष्टि की बात करो, तो विशेष रूप से कैसे समझा जाए? यदि एक एकाएक सर्वभूत में आत्मदृष्टि नहीं आई तो उससे पहले अभ्यास तो करना होगा ना। तो भगवान कहते हैं ये मेरी विभूतियां हैं, विशिष्टा विव्यक्तियां हैं, इनका चिंतन करो। केश केश भावेशु चिंतो अस भगवन मया। इसके उत्तर में भगवान आगे समझा रहे हैं। सबसे पहले आदित्यानाम हम विष्णु, ये मैं बता चुका हूं। आदित्यों में विष्णु मैं हूं, 12 आदित्यों में विष्णु नाम का आदित्य, भगवान की अभिव्यक्ति। और ज्योतिषाम रविरंशुमान, और ज्योतिषाम प्रकाशकों में अंशुमान जो सूर्य है, किरणों से युक्त जो सूर्य है, वह मैं प्रकाशकों में अंशुमान सूर्य जो है, रवि जो है, वो मेरा स्वरूप है। और मरचिर मरुतामस्मि, और मरुतों में जो मरची माने तेज है वह मैं हूं। और नक्षत्राणाम अहम शशि, और नक्षत्रों का जो अधिपति चंद्रमा है वह मैं हूं, एक अर्थ। दूसरा नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्र के दो अर्थ होते हैं, एक वैदिक और एक लौकिक। लौकिक साहित्य में, पौराणिक साहित्य में नक्षत्र जो है वह 27 हैं, और इन नक्षत्रों का संबंध चंद्रमा से है। ये नक्षत्र जो हैं ये प्रजापति की कन्याएं हैं, दक्ष प्रजापति की, और इनका विवाह चंद्रमा से हुआ, ये पौराणिक कथा। तो यहां पर नक्षत्राणाम अहम शशि, शशि स्वयं में नक्षत्र तो नहीं है, नक्षत्रों का अधिपति है, इसलिए नक्षत्राणाम अहम शशि कहा संबंध के भाव से। लेकिन वैदिक विज्ञान में इसको दूसरे रूप से देखते हैं। वैदिक विज्ञान के दृष्टि से नक्षत्र किसे कहते हैं? नक्षति, नक्षति माने नक्षति गच्छति इति नक्षत्र, जो गतिशील है वो नक्षत्र है। तो समस्त गतिशीलों में चंद्रमा मैं, भगवान कहते हैं गतिशील जो है पदार्थ उसमें चंद्रमा की विशिष्टता है। गतिशील पदार्थों में चंद्रमा की विशिष्टता है। वेद में नक्षत्र शब्द का अर्थ गतिशील लोक से लिया है,
ऋग्वेद में उसके विषय में ये बात समझाई गई है। तो जो गतिशील लोक हैं, उनमें चंद्र लोक जो है, भगवान कहते हो मेरी विभूति, नक्षति गच्छति इति नक्षत्र, ऐसे इसकी निरुक्ति होती है। गति, चंद्रलोक की गति का अर्थ होता है एक नक्ष गतो धातु से नक्षत्र शब्द बनता है, याद रखना, नक्ष गत अणक्ष अणक्ष ट ठ ड ढ ण जो होता है अणक्ष गतो धातु से ये नक्षत्र शब्द बनता है। और वेद में सूर्य को भी नक्षत्र कहते हैं क्योंकि सूर्य भी गतिशील है। तो यहां पर नक्षंति सततम गच्छन्ति इति नक्षत्राणि, ऐसे इसकी निरुक्ति होती है। और जो सतत गतिशील हैं, उनमें चंद्रमा की गति अधिक है क्योंकि पृथ्वी और हमारे दिन का कारण, रात का कारण और हमारे महीने का कारण, संवत्सर का कारण, दिन रात महीना और संवत्सर, इनका कारण कौन है? चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा को भगवान ने अपनी विभूति बताया, नक्षत्राणाम अहम शशि। आगे वेदानाम साम वेदो अस्मि, वेदों में साम वेद मैं हूं, ऐसा भगवान ने कहा। वैदिक विज्ञान की दृष्टि से ऋग्वेद का अधिक महत्व है, अध्यात्म विद्या की दृष्टि से अथर्ववेद का अधिक महत्व है। लेकिन भगवान ने वेदानाम साम वेदो अस्मि, वेदों में साम वेद में हूं ऐसा कहा। आचार्यों की राय है कि साम वेद भगवान इसलिए कहते हैं कि साम गीति, गीति माने गाने वाला वेद है, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसी का प्रयोग किया जाता है, दिव्य शक्तियों को अवधारण करने के लिए उसी का प्रयोग किया जाता है। जो ये यज्ञ में तीन ऋतुज होते हैं, होता, उद्गाता और अध्वर्य, ये तीन, उसमें उद्गाता जो है वह सामवेद का गान करता है और सामवेद के गान से ही वह देवताओं को प्रसन्न करता है, इसीलिए उसे उपासना का ग्रंथ माना गया है। ऋग्वेद देवताओं के यथार्थ स्वरूप का अवबोधन कराता है और सामवेद देवताओं की उपासना
प्रसन्नता का साधन है और यजुर्वेद देवताओं की तुष्टि के लिए हवि समर्पण का माध्यम बनता है। ये तीन वेद जो हैं, ये तीन प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं। ऋग्वेद के द्वारा देवता के यथार्थ स्वरूप का बोध होता है, सामवेद के द्वारा देवता को प्रसन्न किया जाता है और अभिष्ट सिद्धि के लिए यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा उसको हवि समर्पित किया जाता है। अथर्ववेद जो है वह यज्ञ के यज्ञ को निर्विघ्न पूर्ण कराने में सक्षम होता है और ये वेद से परे ये वैदिक विज्ञान जो तीन प्रकार का है, ये तो थर्व है। थर्व माने गतिशील, कंपित, हिलने डुलने वाला। इसीलिए थर्व को कठोर मांडुक्य उपनिषद में कहा गया ये अभिप्लवा अदृढ़, ये अदृढ़ है, दृढ़ नहीं है, ये विप्लवा है और अदृढ़ है। तो जो अदृढ़ है, हिलने वाला है, अस्थिर है, वो थर्व है। और अथर्व माने थर्व कंपने धातु है, अथर्व माने जो स्थिर है, स्टेबल है, गतिहीन है, अचल है। इसलिए ब्रह्म विद्या का दूसरा नाम है अथर्व विद्या। अथर्व विद्या माने उस तत्व से संबंधित विद्या जो अविचल है। अविचल कौन है? ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म विद्या का दूसरा नाम, अध्यात्म विद्या का दूसरा नाम अथर्व विद्या है। तो यहां पर वेदानाम साम वेदो अस्मि ऐसा भगवान ने कहा है। वेदों में साम वेद में हूं। साम वेद इसलिए कहा है कि साम वेद सरस है, देवताओं की प्रसन्नता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा हेतु, स्वयं भगवान सामवेदी ऋषि के शिष्य हैं। छांदोग्य उपनिषद में घोर अंगिरस ऋषि के यहां हम भगवान को विद्या अध्ययन करते हुए पाते हैं। घोर अंगिरस ऋषि जो हैं, ये सामवेद के रथंतर सामवेद के महापंडित हैं। तो भगवान स्वयं सामवेदीय संप्रदाय में शिक्षित और दीक्षित थे। भगवान कृष्ण सामवेदीय संप्रदाय में शिक्षित और दीक्षित थे, इसलिए अपने संप्रदाय के वेद को उन्होंने सबसे श्रेष्ठ कहा। वेदानां सामवेदो लेकिन यहां पर साम शब्द की व्याख्या की गई है। सा और अम निरुक्तकार ने सा और अम कहा साम। तो सा किसे कहते हैं? कहा ऋग्वेद की ऋचाओं का अवबोधन है सा, और उसमें निहित जो तत्व ज्ञान है उसका अवबोधक है अम। इसलिए वेदानाम साम वेदो अस्मि, वेद की संपूर्ण ऋचाएं और उनमें निहित तत्व ज्ञान ये साम शब्द से यहां पर अवबोधन कराया गया है। वेदानाम सामवेदोस्मि, ज्ञान में, ज्ञान के समुदाय में, ज्ञान समूह में सा और अम जो है साम, वेदों में। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में इसकी बड़ी उत्तम व्याख्या की गई है साम शब्द की।